तरह से इवॉल्व हुई, कहाँ से इवॉल्व हुई, स्टार्टिंग में क्राइम को किस तरह से लिया जाता था, क्रिमिनोलॉजी को किस तरह से लिया जाता था, क्रिमिनोलॉजी की जो बेसिक स्टडी थी वो किस तरह से आज के मतलब इतनी जहाँ पे हमारी थियोरेटिकल रिसर्च है वहाँ तक कैसे पहुँची। तो मेन हमने ये चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि जार्गन्स जो है ना क्रिमिनोलॉजी के, वो आपने जहन में रखने हैं। जब भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जब भी आपने क्रिमिनोलॉजी का एक का पेपर करना है, तो आपने उसके जार्गन्स को, उसकी टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। अब ये जो आज हमने थेरीज पढ़नी है, आज जो हमने परस्पेक्टिव्स पढ़ने हैं, ये स्कूल ऑफ थाट्स हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं कि कोई किसी एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई किसी दूसरी चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वैरायटी होती है उसमें। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी इसलिए है, इनको पढ़े बगैर आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी ना जार्गन्स की, या एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सी थ्योरी लगती है, कहाँ पे कौन सा पर्सपेक्टिव लगता है, वो आपको खुद पता लगेगा। जब आप पर्सपेक्टिव्स को एक दफ़ा स्टडी कर लोगे, जब आप इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा पढ़ लोगे, तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी कि कहाँ पे हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका पेपर जो है वो एक क्रिमिनोलॉजी का पेपर लगे, ना कि कोई करंट अफेयर्स का पेपर लगे, ना कि कोई पाक अफेयर्स का पेपर लगे। मतलब कोई जनरल उसमें राइटिंग नहीं होनी चाहिए, हमने उसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर कैसे बनाना है, वो हमें इन थेरीज के थ्रू और जो जार्गन्स हैं उनके थ्रू बनाना है, ठीक है। तो दिस इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दीज थेरीज इन डिटेल। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका 10 मार्क्स का थेरीज का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का थेरीज का क्वेश्चन आएगा, इसलिए भी क्योंकि वो थेरीज जो हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए थेरीज में से, हो सकता है कि सेक्शन वन में से वो आपको पहले दो तीन मॉड्यूल्स में से वो कोई क्वेश्चन दे दे, और दो क्वेश्चंस दे दे और थेरीज में से कुछ भी ना दे, दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वो थेरीज आपकी टाइम एंड अगेन सिर्फ सेक्शन वन में नहीं, सेक्शन 1, 2, 3, 4 चारों सेक्शन में यूज होती जाएंगी। उसका रीजन ये है कि आप कोई भी बात कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी क्रिमिनल एक्ट का जिक्र कर रहे हो, तो उसमें आप उसको किसी ना किसी थ्योरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो टेररिस्ट का हमें खुद भी एक आइडिया है कि टेररिज्म किस तरह से इवॉल्व होता है। हमें अगर हम अपनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो क्या हुआ था कि पहले खुद मुजाहिदीन बने थे, और उसके बाद उन मुजाहिदीन को हम लोगों ने यूज़ किया था, अमेरिकन्स ने यूज़ किया था रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, और उसके बाद उन्हीं मुजाहिदीन को टेररिस्ट के तौर पे लेबल कर दिया गया जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ, और उन्हीं के अगेंस्ट हम लोगों ने दोबारा से एक वॉर वेज करनी शुरू। पहले उनको बनाया, एक फोर्स बनाई ताकि वो हमारा साथ दे सकें, और उसके बाद क्या किया कि उन्हीं के अगेंस्ट वॉर वेज करनी शुरू कर दी और उनको टेररिस्ट का लेबल दे दिया गया, ठीक है। तो इस आपको थ्योरी से पता लगेगा कि व्हाट गोज इन द माइंड्स ऑफ सच पीपल, या उनके साथ, उनके एनवायरनमेंट में, उनके सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में, उनके एनवायरनमेंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम उनको एज मतलब वो एक इस तरह की टेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कल के लेक्चर का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन जो आपको रह गई हो, ठीक है। मैंने आपके ग्रुप में एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया था, एक वेबसाइट का लिंक था जिसके अंदर से आपको ये अमार सत्तार वाली, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं। अच्छा, आपका नंबर यहाँ पे किसी के पास है? आप मुझे प्राइवेट में अपना नंबर बेशक यहाँ पे मैं ना आपको ऐड करवा देती हूँ, ठीक है। ओके, मुझे आई थिंक महनून ने ऐड किया था। हाँ, मुझे महनूर ने ऐड किया था। महनूर, आपको मैं इसका नंबर सेंड कर दूंगी, आप शाहना को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यस मैम। मैम मैं इधर ही लिंक शेयर कर देती हूँ ग्रुप का, जिस जिसने ऐड होना वो लिंक से हो जाए। बेस्ट है कि आप व्हाट्सएप लिंक से शेयर कर दो, और फिर बाद में सब ऐड होते जाएंगे। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग में जब हम बहुत पीछे जाएंगे, मतलब जब बिल्कुल की अगर हम बात करते हैं, तो क्रिमिनोलॉजी का एक कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। 17th और 18th सेंचुरी में भी
क्या होता था उस जमाने में कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो सेंट्स थे, जो पोप्स थे, उनको ज्यादातर लीडर्स के तौर पे एज द रोल ऑफ लीडर्स लिया जाता था. ठीक है, कोई प्रॉपर वहाँ पे तब गवर्नमेंट का एक का प्रॉपर सिस्टम नहीं था. अब तो ये ना कि रिलीजन एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट अलग चीज़ है, फिर उसके बाद हमारे पास जो कोर्ट है, जुडिशरी है, वो एक अलग ब्रांच में आ जाता है. तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था. तब क्या होता था कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे या जो हमारे पास पोप्स होते थे, जो हमारे पास सेंट्स होते थे, हम उन्हीं को ही एज लीडर्स कंसिडर करते थे उस जमाने में. तो मोस्टली जो क्राइम रिलेटेड डिसीजंस होते थे वो भी वही लेते थे, और उनका एक ही लेंस था सारे क्राइम को देखने का. अब वो क्या लेंस था, वो ये था कि वो हर चीज को डेविल से या डीमन से कनेक्ट कर देते थे कि ये इस इंसान की करनी नहीं है, ये या ये इंसान नहीं है, ये एक डीमनिक एक्ट है जो ये कर रहा है, तो ये दिस पर्सन शुड बी बैनिश्ड, या ये हमारे बीच में नहीं रह सकता. इसको कभी वो आग लगा देते थे, कभी वो पानी में, मतलब पत्थर बांध के उसको डुबो देते थे पानी में, जो भी कोई भी बंदा अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता था. और कोई डिस्टिंग्विश भी फीचर्स नहीं थे, मतलब अगर एक इंसान ने चोरी की है तो उसकी भी वही सजा होगी, अगर किसी ने मर्डर कर दिया है उसकी भी वही सजा होगी, क्योंकि कोई सेट ऑफ लॉज नहीं बने हुए थे, कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लोगों के दरमियान या स्टेट के दरमियान, कुछ भी ऐसा रिटन एग्रीमेंट नहीं था. इसकी वजह से कुछ भी प्रॉपरली मैनेज नहीं होता था. जो ऑब्वियसली इलीट होती थी, उनकी इलीट क्लास होती थी, वो उस पनिशमेंट से बच जाती थी. जो के पुअर होते थे, जो पेजेंट्स होते थे वहाँ के, उनको नॉर्मली सबको एक जैसी सजा मिल जाती थी. इवन ये इस हद तक भी करते थे कि वो सबको एक कश्ती में बिठा के किसी दूसरे आइलैंड पे छोड़ देते थे. ये जब जहाँ पे ये क्रिस्टोफर कोलंबस का आप लोगों को पता होगा, यूएस, अगर आपकी यूएस हिस्ट्री है तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दिया होगा, तो उसके जो वॉयजेस थे उसमें भी नॉर्मली ऐसे ही करते थे कि जब भी वो किसी वॉयज पे जाता था तो उसके साथ बजाय इसके कि रिसर्चर्स वगैरह भेजें, वो क्या करते थे, क्योंकि एक अननोन जगह पे जाना होता था, एक अननोन टेरिटरी होती थी जहाँ का आपको नहीं पता कि वहाँ पे आप सर्वाइव कैसे करोगे, तो नॉर्मली उसके साथ जो थे वो प्रिजनर्स जो होते थे ना सारे, उनको इकट्ठा करके भेज देते थे कि इस इनको छोड़ाओ वहाँ पे, इफ दे सर्वाइव ओवर देयर विद दैट मींस कि वी कैन आल्सो गो एंड एक्सप्लोर दैट लैंड फर्दर, अगर नहीं तो ये मर जाएंगे तो ठीक है, मतलब मरे हुए मिलेंगे तो फाइन, दैट प्लेस इज नॉट इनहैबिटेबल फॉर अस. तो दिस इज हाउ दे ट्रीटेड क्रिमिनल्स इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. जो ये वाला टाइम था ना जब यूरोप में कोई प्रॉपर लॉज नहीं थे, कोई सेट ऑफ लॉज नहीं थे, सिर्फ रिलीजियस या थियोक्रेटिकल लीडरशिप के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते थे, उसको हम बोलते हैं प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. ये 17th सेंचुरी और उससे पहले तक का पीरियड था. इसमें बेसिकली जो सजा थी ना वो करेक्टिव मेजर नहीं था. एक होती है कि आपने सजा इसलिए देनी है कि वो चीज़ दोबारा ना की जाए, ठीक है, उसको हम करेक्टिव मेजर करते हैं ताकि जो क्राइम रेट है वो डिक्रीज हो सके, ताकि आप लोगों को डरा सको कि अगर आप करोगे तो आपको ये सजा मिल सकती है. इस यहाँ पे सजा का जो कॉन्सेप्ट था ना वो प्योर टॉर्चर के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, कि किसी हर इंसान को हमने किसी ना किसी ऑर्डियल से गुजारना है, किसी ऐसी पेन से गुजारना है कि वो उससे रिकवर ना कर सके, या कोई बहुत बुरा उसके साथ सलूक करना है. और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी कि क्राइम की इंटेंसिटी क्या थी, क्राइम की कॉज क्या थी, कुछ भी डिफरेंट नहीं था. बस अगर क्राइम है तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे ज्यादा इंटेंसिटी का क्राइम है, कम इंटेंसिटी का क्राइम है, देयर वाज नो सच डिफरेंसिएशन. ठीक है, तो दिस वाज बेस्ड ऑन टॉर्चर. The punishments in this era were based on torture. हमारे पास बहुत सारे school of thoughts हैं, लेकिन जो basic हमने जो दो main पढ़ने हैं ना वो है classical school of thought और positive school of thought. ये pre-classical school of thought है. Just to give you an idea के pre-classical से जब classical की तरफ shift हुए थे हम लोग, जो criminologists थे या जो era था जब वो shift हुआ था, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई थी, ऐसा क्या चेंज किया था क्लासिकल जो थे फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था और क्यों किया था. उसकी वजह यही थी कि कोई सेट ऑफ लॉज नहीं है,
सिर्फ टॉर्चर की बेस पे आप पनिशमेंट दे रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि इससे क्राइम रुक रहा है या बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, आप किसी भी चीज को कंसिडरेशन में नहीं लेके आ रहे. आपकी जो मेन वो है, मतलब यू हैव टू क्रिएट फियर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, और वो आप टॉर्चर से कर रहे हो, बस दैट्स इट. ठीक है, तो दिस वॉज प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ सिस्टम. इसके बाद जब आता है एनलाइटनमेंट का पीरियड, जब एनलाइटनमेंट का पीरियड आया था तो हमें पता है कि बहुत सारे फिलोसोफर्स तब आ रहे थे उस जमाने में, उन्होंने बहुत सारी थेरीज दी थी, बहुत सारी रिसर्चेस की थी. तो उनमें से कुछ जो थे फिलोसोफर्स जो थे जो या कुछ रिसर्चर्स जो थे, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की क्रिमिनोलॉजी के ऊपर भी. उन्होंने ये देखा, अब ये वो टाइम पीरियड है जब एनलाइटनमेंट हो रही थी, जब और भी बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी आ रहे थे. आप लोगों में किसी की पॉलिटिकल साइंस है? अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस है तो उनको पता होगा कि इस पीरियड में हॉब्स आए, रूसो आए, और उन्होंने पॉलिटिकली भी एक एवोल्यूशन स्टार्ट की. उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की कि ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज होती है, हम लोग उन राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकते. ठीक है, जो राइट टू स्पीक हो गया, ये फंडामेंटल राइट्स हैं किसी एक इंसान के, तो इनको भी वायोलेट नहीं करना चाहिए. तो हम फिर उस टाइम पे ये चीज देखनी शुरू की कि जो पहले की सजाएं थी, जो प्री क्लासिकल एरा की सजा थी, उसमें क्या होता था कि उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. उसमें तो कॉन्सेप्ट ही सिर्फ टॉर्चर का था, कॉन्सेप्ट ही सिर्फ पेन का था. तो उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स जो थे लोगों के, वो वायोलेट होते थे. और किसी भी किस्म के रिटन कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी किस्म के रिटन अग्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे. उस टाइम पे लोगों ने कोई सेट ऑफ लॉज दिया ही नहीं जब आवाम को, तो उनको कैसे पता लगेगा कि वेदर दे आर सपोज टू, व्हाट देयर लिमिट्स आर एग्जैक्टली. ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाली चीजें जो थी, कुछ जो थेरिस्ट थे, कुछ जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इन चीजों को कंसिडरेशन में लाना शुरू किया कि जब तक हम लोग ये वाले काम नहीं करेंगे तो क्राइम रेट तो हम नहीं रोक सकते, क्राइम विल नॉट स्टॉप. ठीक है, तो ये थे क्लासिकल स्कूल वाले. अब क्लासिकल स्कूल वालों ने किया क्या था? क्लासिकल स्कूल के जो दो मेजर प्रोपोनेंट्स की हम बात करते हैं, वो है सीजर बिकेरिया. सीजर बिकेरिया के स्पेलिंग्स लिख लें, CAESAR, सीजर बिकेरिया, BACERIA. अगर मैं आपको लोगों की मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो मुझे आप लोग प्लीज बता देना, आई स्लो डाउन एंड आई रिपीट वट एवर आई सेड. अच्छा जी, सीजर बिकेरिया जो थे ना, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे. आप इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1738 से 1794. 1738 से 1794 इनका टाइम पीरियड है. मैम, ये जो एनलाइटनमेंट का पीरियड लिखवाया है, ये प्री स्कूल में आएगा या क्लासिकल में आएगा? क्लासिकल में, ये क्लासिकल स्टार्ट हो गया, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम. अब एनलाइटनमेंट इसमें इंक्लूड है क्लासिकल में? एनलाइटनमेंट का पीरियड आया था हिस्ट्री में, जिसमें हम बात करते हैं ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुई, फिर जिसमें फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुई. ये एक ओवरऑल जनरल पीरियड है, ये क्रिमिनोलॉजी का पार्ट नहीं है. इसमें सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई थी. एनलाइटनमेंट हुई थी ना कि लोगों को शऊर आना शुरू हो गया था. एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई थी कि हम लोग कैसे रहते थे और अब हमने किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, किस तरह से कोई प्रॉपर अपने सिस्टम को एडमिनिस्टर करना है या मैनेज करना है. तो वो एक जनरल इनलाइटनमेंट हुई थी जो कि सिर्फ क्रिमिनोलॉजी में नहीं हुई थी, वो ओवरऑल हुई थी. चाहे वो एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री का शिफ्ट था, या फिर उसके अंदर फिर हम बात करते हैं कि लोगों में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था लोगों ने कि हम सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर्स को जो कर रहे हैं, फॉलो करते हैं, आर दे इवन केपेबल इनफ टू यू नो लीड अस. इनमें ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं जो जिनको हमने डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी है. तो इट वाज ओवरऑल, इट वाज इन सोशियोलॉजी एज वेल, इन क्रिमिनोलॉजी एज वेल, इन मतलब एक इनलाइटनमेंट हो गई थी लोगों में इन जनरल, जिसकी वजह से प्री क्लासिकल से क्लासिकल की तरफ एक शिफ्ट आया था, जिसकी वजह से फिलोसोफर्स ने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को मतलब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कब बना था
कि प्री क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थॉट था दैट वाज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, हम सिर्फ पेन, हम सिर्फ टॉर्चर की बात करते थे उसमें. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में क्या था वो अब मैं आपको बता रही हूँ. जो जो मेजर जो दो लोग थे जिन्होंने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पे काम किया था वो था सीजर बिकेरिया और जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम JEREMY, जेरेमी बेंथम BENTHAM. ये एक फिलोसोफर था जिसका एरा था 1748 से 1832 तक, 1748 से 1832 तक. ये जो थे कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है. और इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने ये बात की सबसे पहले कि जो डीमनिक स्कूल ऑफ थॉट था ना, जो हमारा प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं. उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, हमें सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने ये भी देखना है कि उस पनिशमेंट की वजह से क्या हमारा क्राइम रुक रहा है या नहीं रुक रहा. हमने ये भी देखना है कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो हैं, कुछ जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स होते हैं ह्यूमंस के पास, कहीं हम वो वायलेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं आएगा. हर किसी को पता होना चाहिए कि ये उसके राइट्स हैं, ये उसके सेफ गार्डेड राइट्स हैं. जब तक कि वो खुद कोई एक्ट ऐसा ना करे कि उनको वायलेट करे, कोई और उनको वायलेट करने का हक नहीं रखता, ठीक है. तो इन्होंने ये बात की, ये एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन पनिशमेंट्स के ऊपर की फेवर में बात करते थे, ठीक है. सबसे पहली बात ये थी कि पनिशमेंट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए, वो टॉर्चर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए हमारे सोसाइटी के ऊपर, ठीक है. अब इसमें इन्होंने कहा कि हर इंसान के पास ना फ्री विल होती है. इन्होंने क्राइम के ऊपर बात की कि क्राइम होता क्यों है. क्राइम इसलिए होता है कि हर इंसान की एक फ्री विल है, उसके अकॉर्डिंग वो चूज करता है कि उसने क्राइम कमिट करना है या नहीं करना है, ठीक है. अब उस फ्री विल में, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल था, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जब हर इंसान के पास एक फ्री विल है कि उसने क्राइम कमिट करना है या क्राइम नहीं कमिट करना, क्राइम कमिट करेगा तो उसको एक सर्टन फॉर्म ऑफ प्लेजर मिलेगा, ठीक है. अब कोई चोरी करता है किसी चीज को तो उसको एक सर्टन फायदा मिल रहा है उस चीज से, उसको एक सर्टन खुशी मिल रही है, एक प्लेजर मिल रहा है उस चीज से. तो ये उसकी फ्री विल है कि वो प्लेजर लेना चाह रहा है जो कि वो उस पर्टिकुलर क्राइम से हासिल करता है, ठीक है. तो इन्होंने ये बात की कि पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो उस क्राइम को रोक सके. अब अगर एक बंदे को एक सर्टन एक्ट करने का प्लेजर मिल रहा है और अगर उसको दूसरी तरफ पता हो कि मैं ये एक्ट करूंगा तो मुझे ये एक सेट ऑफ पनिशमेंट जो है, जो लिखा हुआ है, जो कोडिफाइड है, वो पनिशमेंट मुझे मिलेगी, तो वो फिर सोचेगा कि इज द प्लेजर बिगर या फिर द पेन दैट आई विल गेट फ्रॉम द पनिशमेंट इज दैट बिगर. वो जाहिर सी बात है कि वो सोचेगा कि यार इज इट वर्थ इट, मैं ये काम तो कर लूँ, मुझे उस टाइम पे वक्ती तौर पे ये खुशी भी मिल जाएगी, मैं मुझे पैसा मिल जाएगा, ये जो भी चीज़ होगी वो मैं कर सकूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे एक पेन या एक सर्टन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा. तो इज इट वर्थ इट कि मैं अपना वो काम करूं और फिर पनिशमेंट भी बर्दाश्त करूं. तो एक आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आप सोच में पड़ जाते हो कि शुड आई एक्चुअली कमिट द क्राइम और नॉट, ठीक है. इससे क्या होता है कि क्राइम रेट ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है. जब आपको पता होगा कि एक कोडिफाइड सेट ऑफ लॉज हैं, एक प्रॉपर अग्रीमेंट हुआ हुआ है आपका और स्टेट का, आपका और आपके लीडर्स का, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मेरे कोई फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं होंगे. तो जब आप इस तरह से जब ये लेके चले स्कूल ऑफ थॉट को, तो वहाँ पे एक डेटरेंस क्रिएट करने का इनका पर्पस था. डेटरेंस क्या होती है? डेटरेंस ये होती है कि आप प्री एम्प्टिव मेजर्स ले लेते हो, आप पहले से ही इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लेते हो, या आप पहले से ही बता देते हो, इतनी सर्टेन पनिशमेंट एक प्रॉपर अनाउंस कर देते हो एक क्राइम की वजह से, क्राइम के लिए, कि वो ऑटोमेटिकली उस क्राइम से वो बंदा रुक जाता है. तो जब क्राइम से रुकेंगे क्रिमिनल्स तो ऑटोमेटिकली एक डेटरेंस क्रिएट होती है, ठीक है. तो इनकी हम थ्योरी को डेटरेंट थ्योरी भी कहते हैं, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट ऐसी हो कि बंदा उस क्राइम को करने से पहले ही रुक जाए, सोच ले कि अच्छा यार पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी है मुझे,
सर्टेनली मिलेगी, चाहे मैं अपर क्लास का बंदा हूँ चाहे मैं लोअर क्लास का बंदा हूँ, ये पनिशमेंट मुझे मिलेगी, देयर इज नो एस्केपिंग इट. तो शैल आई एक्चुअली कमिट द क्राइम और नॉट. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एक इंसान की फ्री विल है, उस फ्री विल पे क्या होगा कि वो चूज करेगा कि उसने क्राइम करना है या नहीं करना है, इज सीकिंग प्लेजर गुड इनफ फॉर हिम या फिर इज अवॉइडिंग पेन गुड इनफ फॉर हिम. ये पेन और प्लेजर का एक आप समझ लो कि कंपैरिजन करना शुरू हो गए लोग कि शैल आई एक्चुअली कमिट द क्राइम और नॉट. इसको हम कहते हैं मॉरल कैलकुलस. जेरेमी बेंथम ने एक मॉरल कैलकुलस बनाया था जिसमें उसने इन चार चीजों को मतलब कंपेयर किया, करंट प्लेजर, फ्यूचर प्लेजर, करंट पेन, फ्यूचर पेन. अगर एक इंसान के पास फर्ज करो हम लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसको पैसे की ज़रूरत है, अब इफ ही इज़ इन पेन क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, तो ही इज़ इन करंट पेन राइट नाउ. ठीक है, लेकिन अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है उसके पास अब इज़ द फ्यूचर प्लेजर ग्रेटर या फिर फ्यूचर पेन ग्रेटर है, जो उसको क्राइम कमिट करने के बाद जो प्लेजर मिलेगा क्या वो ज़्यादा है या फ्यूचर पेन जो पनिशमेंट के तौर पे मिलेगी वो ज़्यादा है. तो जब वो इस चीज़ को एक मतलब करेगा, कंपेयर करेगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो क्राइम से अपने आप को प्रिवेंट करेगा ताकि वो अपने आप को फ्यूचर पेन से प्रिवेंट कर सके. मैम मॉरल कैलकुलस दोबारा रिपीट कर लें. देखो मॉरल कैलकुलस जो था वो जेरेमी बेंथम ने इसी पर्सपेक्टिव के साथ बनाया था कि ह्यूमंस के पास फ्री विल होती है क्राइम करने की, they'll either choose to commit a crime or they won't. ठीक है, तो उसने ये कहा कि हम लोगों की जो पनिशमेंट्स है ना वो बिल्कुल उनका कोई सर पैर ही नहीं है, देर इज नो सेट लॉज, देर आर नो सेट लॉज फॉर द पनिशमेंट्स, जो हमने प्री क्लासिकल एरा में बात की है. तो इन्होंने ये बात की कि पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि क्राइम को रोके, आपकी जो क्राइम करने के बाद जो प्लेजर है उससे थोड़ी सी ज्यादा की पनिशमेंट रखो ताकि वो बंदा वो क्राइम ही कमिट ना करे. ठीक है, तो मॉरल कैलकुलस जो था वो करंट प्लेजर, करंट पेन, फ्यूचर प्लेजर और फ्यूचर पेन उसके बारे में बात करता था, इन चार चीजों को लेके चलता था, इन चार चीजों का कंपैरिजन करता था कि अगर हम लोग अब जो पनिशमेंट्स रखी हैं हर क्राइम के अकॉर्डिंग, अगर वो पनिशमेंट हम लोग ऐसी रखें कि जो क्राइम करने के बाद प्लेजर मिलना है उससे ज्यादा की अगर पेन दे दे उस पनिशमेंट से, तो वो ऑटोमेटिकली बंदा क्राइम करने से पहले सोचेगा, वो क्राइम कमिट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये क्या थी, ये एक डेटरेंस क्रिएट हो रही थी उस एरा में, उस सोसाइटी में एक क्राइम के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट हो रही थी कि लोग क्राइम करें ही नहीं. अब चार चीजें जो मेन इस कॉन्सेप्ट में थी स्कूल ऑफ थॉट में, पहली थी रैशनलिज्म, रैशनलिज्म अगेन इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एबल टू थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन. सेकेंड जो इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया वो इन्होंने कहा हेडनिज्म का, हेडनिज्म के स्पेलिंग्स लिख लें आप HEDNISM. पहली बात तो इन्होंने ये की कि अच्छा इंसान के पास फ्री विल है, वो रैशनल है, वो खुद सोच सकता है कि मैंने क्राइम करना है या मैंने नहीं करना. अब हेडनिज्म क्या कहता है, हेडनिज्म कहता है कि क्राइम जो है ना, क्राइम इज कमिटेड फॉर प्लेजर. क्राइम का कॉज क्या है, क्राइम का कॉज है प्लेजर सीकिंग. इन्होंने और किसी भी कॉज को कंसिडर नहीं किया, किसी भी फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, इन्होंने बस ये कहा कि इंसान के पास फ्री विल है, पहली बात रैशनैलिटी है, सेकंड बात यह है कि हेडनिज्म, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि इंसान को प्लेजर चाहिए. ठीक है, तो वो उस प्लेजर की खातिर वो क्राइम कमिट कर सकता है. अब वो मतलब उसको प्लेजर चाहिए, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अब उसको क्राइम के थ्रू करता है या वैसे करता है ये उसकी चॉइस आ जाती है, रैशनैलिटी आ जाती है. तो पहले दो पॉइंट्स ये हो गए, हेडनिज्म और रैशनैलिटी. हेडनिज्म क्या है कि क्राइम इज कमिटेड फॉर प्लेजर. और किसी फैक्टर को अभी जेरेमी बेंथम और सीजर बकेरिया ने टच नहीं किया, उन्होंने बस ये कहा है कि क्राइम का कॉज क्या है, क्राइम का कॉज है प्लेजर सीकिंग. ठीक है,
फिर थर्ड पॉइंट है पनिशमेंट. अब उन्होंने पनिशमेंट की क्या बात की, उन्होंने कहा कि द प्लेजर ऑफ द रॉन्ग एक्ट, द प्लेजर ऑफ द रॉन्ग एक्ट शुड बी लेस देन should be less than the pain inflicted by punishment. अगर जो एक crime commit करने के बाद जो इंसान को pleasure मिल रहा है उससे ज्यादा की punishment का pain हो तो वो automatically सोचेगा कि यार मुझे, मैं temporarily तो मुझे खुशी मिल जाएगी लेकिन उसके बाद मुझे suffer करना पड़ेगा, तो should I actually do it or should I stop thinking about that crime or stop committing thinking about committing that act. तो ये ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर रही है, ये आपकी सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट कर रही है. डेटरेंस डी ई टी ई डबल आर ए एन सी ई, आई थिंक यही स्पेलिंग से, मैं एक दफा कंफर्म भी कर लेती हूँ. ई एन सी ई, ए एन सी ई नहीं, ई एन सी ई, डी ई टी ई डबल आर ई एन सी ई, डेटरेंस. और जो फोर्थ पॉइंट था सीजर बकेरिया और जेरमी बेंथम का क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में, वो ये था कि ह्यूमन राइट्स मस्ट नॉट बी वायलेटेड. पहले क्या बात चल रही थी कि ह्यूमन राइट्स का कोई की कोई कंसिडरेशन नहीं थी इससे पहले के जमाने में, बस टॉर्चर की बेस पे आपकी पनिशमेंट्स थी, आपके बॉडी मतलब इंसानों के बॉडी पार्ट्स काट देते थे, उनके ऊपर चूहे सांप वगैरह इस तरह की चीज़ें छोड़ देते थे ताकि उनको इतनी पेन मिले कि वो मतलब मोस्टली तो उस चीज़ से बच ही नहीं पाते थे. ठीक है, तो इन्होंने ये बात की कि आप पनिश करो, ज़रूर पनिश करो, लेकिन सिर्फ इतना जितना कि क्राइम है. ये नहीं कि आपने एक इंसान ने मर्डर किया है तो उसकी भी वही पनिशमेंट है, एक इंसान ने अगर चोरी की है, रॉबरी की है कोई, तो उसकी भी वही पनिशमेंट. दिस शुड नॉट बी द केस. ठीक है, तो इनका मेन जो पूरा एक, अगर सिंगल सेंटेंस में मैं इसको सम अप करूं, तो व्हाट दे वांटेड वाज कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम. आप ये देखो कि क्राइम कौन सा किया गया है. ठीक है, क्राइम की इंटेंसिटी देखो और उसके ऊपर फिर आप पनिशमेंट डिसाइड करो. और वो पनिशमेंट जो है वो रिटन होनी चाहिए, वो इट शुड बी प्री डिसाइडेड कि ये क्राइम होगा तो उसकी ये पनिशमेंट होगी. आप एट द स्पॉट डिसाइड ना करो या बंदा देख के ये आप वेरी ना कर दो इसकी पनिशमेंट को. तो अगर क्राइम चाहे वो किसी इलीट क्लास के बंदे ने किया, अपर क्लास के ने किया, चाहे वो किसी लोअर क्लास के बंदे ने किया, द पनिशमेंट शुड बी द सेम एंड इट शुड बी रिटन. ठीक है, तो व्हाट दे सेड वाज कि पनिशमेंट शुड बी स्विफ्ट, सिवियर एंड सर्टन. स्विफ्ट एज इन के ये नहीं है कि आप एक इंसान ने क्राइम आज किया, आप उसको 5 साल बाद उसकी सजा दे रहे हो. पनिशमेंट शुड बी स्विफ्ट, क्राइम हुआ उसके फौरन बाद ही आप उसको सजा दे सकते हो, दे देनी चाहिए. ठीक है, सेकेंडली इट शुड बी स्वेयर, वही आपकी मॉरल कैलकुलस वाली बात आ जाती है कि जितनी उसने क्राइम करने से जितना उसने प्लेजर लिया है उससे ज्यादा की पेन होनी चाहिए पनिशमेंट की. एंड इट शुड बी सर्टन, द थर्ड पॉइंट इज दैट इट शुड बी सर्टन, पता होना चाहिए फॉर श्योर कि मैं करूँगा तो सजा मिलेगी ही सही, देर इज नो एस्केपिंग इट. सो दीज आर द थ्री मेजर थिंग्स जो इन्होंने पनिशमेंट के हवाले से कही थी कि पनिशमेंट शुड बी स्विफ्ट, स्वेयर एंड सर्टन. अब उससे होगा क्या, उससे व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट कि सोसाइटी में या उनके एरिया में उसकी वजह से क्या होगा. इट टू प्रिवेंट ऑल क्रिमिनल ऑफेंडर्स फ्रॉम क्राइम कमीशन, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि अगर हम इस तरह से पनिशमेंट को सेटअप करेंगे तो उससे क्या होगा कि टू प्रिवेंट ऑल क्रिमिनल ऑफेंडर्स फ्रॉम क्राइम कमीशन. पहली बात तो ये कि क्राइम हो ही ना, ठीक है, सिरे से ही क्राइम खत्म कर दिया जाए. अब वी ऑल नो दैट क्राइमलेस सोसाइटी इज अ मिथ. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक सोसाइटी पूरी तरह से क्राइमलेस हो,
लेकिन यस दिस वाज एन ऑब्जेक्टिव कि क्राइम जो है ऑफेंडर्स जो है वो क्राइम कमीशन से रुक जाए. सेकेंड पॉइंट ये था उनका कि चलो अगर पूरी तरह से क्राइम हम नहीं खत्म कर सकते तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि कन्विंस द ऑफेंडर टू कमिट लेस सीरियस क्राइम. कन्विंस द ऑफेंडर टू कमिट लेस सीरियस क्राइम. अब अगर उसको पता है कि हर क्राइम की पनिशमेंट एक जैसी नहीं है, मैं ज्यादा बड़ा क्राइम करूंगा तो मुझे उसकी ज्यादा पेन मिलेगी बाद में, तो चलो छोटा क्राइम कर लेता हूँ, छोटी पेन तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा. ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ क्राइम रिड्यूस हो जाती है. थर्ड पॉइंट था कि इंश्योर दैट नो क्रिमिनल यूजेस मोर फोर्स देन नेसेसरी. नो क्रिमिनल यूजेस मोर फोर्स देन नेसेसरी. जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, जितना क्राइम रिक्वायर्ड है, वो उतना ही कमिट करे, उससे ज्यादा कमिट ना करे, बिला वजह का नुकसान ना करे वो. मैम दोबारा बताएं ये लास्ट वाला. इंश्योर दैट क्रिमिनल यूज्ड नो मोर फोर्स देन नेसेसरी. Ensure that criminal used no more force than necessary. हम इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं कि मर्डर करते हैं विद टॉर्चर, तो मर्डर करना था, टॉर्चर ना करते. Exactly. या इवन अगर आपने रॉबरी करनी है तो आप उसको मार धाड़ करके मत करें. आप सिंपली चलो एक क्राइम कमिट करना था, कर लिया, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फोर्स मत यूज करें, उसमें एक्स्ट्रा हार्म ना इन्फ्लिक्ट करें विक्टिम के ऊपर. ठीक है ना. और फोर्थ पॉइंट ये है टू प्रिवेंट क्राइम एज चीपली एज पॉसिबल. एक कम से कम खर्चे के साथ क्राइम आप रिड्यूस कर सकें. ये इनके चार मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जो इन्होंने अपने मॉरल कैलकुलस के थ्रू पनिशमेंट का एक मतलब स्पेसिफाई कर दी. पनिशमेंट के इस तरह से पनिशमेंट होनी चाहिए कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम. जरूरी नहीं है कि कोई मर्डर करके आया आप उसको भी वही पनिशमेंट दे रहे हो, कोई रॉबरी करके आया आप उसको भी वही पनिशमेंट दे रहे हो. तो मैम फोर्थ वाला रिपीट कर दें प्लीज. कौन सी चीज? फोर्थ पॉइंट है कि टू प्रिवेंट क्राइम एज चीपली एज पॉसिबल. एज चीपली एज पॉसिबल ये एक एक्स्ट्रा उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि हम कम से कम पैसा लगा के हम डेटरेंस जब क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी गार्ड फोर्स भी कम होगी. हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उस पर मतलब अपनी फोर्सेज इतनी ज़्यादा बिल्डअप करें, क्योंकि एक सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट हुई हुई है. ठीक है, जब पनिशमेंट के खौफ से ही लोग क्राइम करना छोड़ देंगे तो उस जाहिर सी बात है कि जो पूरा प्रोसीजर होता है, एक आपको फोर्स चाहिए होती है टू स्टॉप क्राइम, या आपको मतलब लोग चाहिए होते हैं कि टू लुक आउट फॉर यू नो इन स्पेसिफिक एरियाज, तो वो सब कुछ आपका कम हो जाएगा क्योंकि पनिशमेंट ही आपकी इतनी सर्टन है, इतनी स्विफ्ट है और इतनी स्वेयर है कि लोग क्राइम से डर जाएंगे. तो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट एंड अ वेरी चीप और इनएक्सपेंसिव वे टू कंट्रोल क्राइम. क्या आपने जो बाद में करना है आप उसको इतने स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हो कि लोग क्राइम नहीं कमिट करते. ठीक है, अब इस जो कॉन्सेप्ट था, जो इनका क्लासिकल स्कूल था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. ठीक है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात थी इनकी कि इन्होंने जो टॉर्चर वाले मेथड्स थे पनिशमेंट के, या जो कि बिल्कुल नॉन ह्यूमैनिटेरियन या इनह्यूमेन किस्म के मेथड्स थे, इन लोगों ने उनको ख़त्म किया और इन्होंने कहा कि भाई जो क्राइम है उसके अकॉर्डिंग आप सजा दो और बस उस क्राइम से थोड़ी सी ज़्यादा सजा दे दो, ताकि वो क्राइम बंदा अगला बंदा जो है वो क्राइम करने से पहले सोचे 100 दफ़ा कि यार शुड आई एक्चुअली अटेम्प्टेड और नॉट. ये चीज़ें तो इनकी बहुत अच्छी थी कि जो प्री क्लासिकल एरा था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था इन्होंने क्राइम का सिस्टम. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो कुछ फिलोसोफर्स थे उन्होंने इसके अंदर कुछ क्रिटिसिज्म किया इनकी इस स्कूल ऑफ थॉट पे. आपको क्या लगता है कि वो क्रिटिसिज्म क्या होगा? क्या आप लोग कुछ मतलब आपके माइंड में आता है इस चीज़ पे कि अगर क्राइम को देख रहे हैं और सजा दे रहे हैं तो इसके ऊपर क्या
क्रिटिसिज्म आ सकता है. हाँ जी मैम, टू प्रिवेंट ऑल क्रिमिनल्स फ्रॉम कमिटिंग क्राइम. मैम ऑल तो नहीं हो सकता ना, जिसने क्राइम कमिट करना है वो तो मतलब अभी भी ये सजाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्राइम कमिट किया जाता है. तो इनका ये वाला जो अजम्पशन था या फिर जो आप कह सकते हैं मोटिव था वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ. बिल्कुल सही बात है. और लेस सीरियस क्राइम भी थोड़ी एम्बिगुअस है कि लेस सीरियस कैसे हो सकता है, कि जिस बंदे ने रॉबरी करनी है उसने रॉबरी ही करनी है, या फिर वो एक पॉकेट मार तो नहीं बन जाएगा ना, एक ले जाएगा ना, दो चीजों के बजाय वो एक ले जाएगा ना फिर. अच्छा ठीक है, ये तो इनकी मतलब ये डिपेंड करता है ना उसे कितनी जरूरत है, हो सकता है उसे उससे ज्यादा जरूरत हो तो फिर भी वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखेगा. आपने बात की है जरूरत की, ठीक है, जरूरत क्यों क्रिएट हुई उसकी मैम, दूसरे सोशल फैक्टर्स की वजह से, कि वो हो सकता है कि गरीब हो या फिर उसको घर में कुछ ऐसी जरूरत पेश आ गई हो या फिर हैबिचुअल हो, हैबिचुअल के लिए हो सकता है कि हम उसको कम कर सकते हैं, लेस सीरियस की तरफ शायद ऑफेंडर को लेके जा सकते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद होगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रखते हुए ही ये स्ट्रिक्ट कदम लेता है या फिर वो रिस्क ले रहा होता है. ठीक है, अब आपने जैसे बात की कि कोई या तो जरूरतमंद है, उसके कोई सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, या जो दूसरा बंदा है वो हैबिचुअल है, वो हैबिचुअली मतलब वो क्राइम कमिट कर रहा है, तो क्या इन दोनों को, इन दोनों का क्राइम सेम है? एक बंदे ने कोई दसवीं चोरी कर रहा है वो, और एक बंदा है जो पहली चोरी कर रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके घर में कुछ खाने को नहीं था, तो क्या आप इन दोनों को सेम लेंस से देखोगे? क्या इन दोनों की सजा एक ही होनी चाहिए? एक बंदा तो हैबिचुअली चोरी कर रहा है क्योंकि उसको चोरी करने का शौक है, उसको मजा आता है लोगों को दर्द पहुंचा के, और दूसरा बंदा जरूरत के तहत चोरी कर रहा है. अब इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट थी, इन्होंने कॉजेस को नहीं देखा, इन्होंने बाकी कॉजेस को बिल्कुल कोरिलेट किया ही नहीं, कि जो बंदा चोरी कर या जो बंदा क्राइम कमिट कर रहा है उसकी एज क्या है, उसके पीछे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसके कोई इकोनॉमिक रीजंस हैं, उसके उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है. हो सकता है वो वैसे ही पागल हो, ठीक है ना, उसके कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो, मेंटल डिसऑर्डर्स हो, जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट कर देता है और उसको खुद को पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये काम गलत है, ठीक है ना. सो दिस वॉज एक्चुअली द मेजर क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी, कि आपने एक्सटर्नल या इंटरनल जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं